गया, जब मेरे से नहीं होगा तो इस चेक को यूज करूंगा। सेम एज इट इज, जिस भी व्यक्ति ने अपने आप इसी तरीके से काम किया कि मैं प्लान दिखाऊंगा, मैं जाके बात करूंगा, मैं जाके फॉलो अप लूंगा, और जिस दिन मैं हार जाऊंगा, मैं थक जाऊंगा, जब मैं महसूस करूंगा कि अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा, अब मैं यूज करूंगा अपलाइन को एज अ टूल, दैट इज द राइट यूज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपलाइन का। अपलाइन का सही यूज यही है फ्रेंड, बट इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों ने अपलाइन को आई डोंट नो, उन्होंने अपलाइन समझा है कि सॉरी ये वर्ड मुझे यूज करते हो बहुत बुरा लग रहा है, सर्वेंट। अपलाइन के काम कीजिए, मैं ना एक व्यक्ति का नंबर दे रहा हूँ, अब जाके उसका प्लान कराइए। अपलाइन जी मैं एक काम करता हूँ, वो ना मैं नंबर देता हूँ, उसका फॉलो अप कर लेंगे। अपलाइन जी प्लीज एक काम कीजिए ना, आप स्टॉकिस जा रहे हैं, मेरा सामान भी ले आइएगा। यस, आपकी अपलाइन बहुत अच्छी है, लेके भी आ जाएगी, बस शर्त है कब तक। सवाल अब आपसे है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो 20 लाख, जो 50 लाख, जो 70 लाख, जो 5 लाख, जो स्टिल 1 लाख रुपए बना रहे हैं, आप देखिए जब वो आपके साथ प्लान करने आते हैं, आपके पास आपको प्लान दिखाने आते हैं अपनी कंपनी का, क्या वो अपनी अपलाइन को लेके आते हैं? चेक इट, क्या वो सारा सामान अपनी अपलाइन से मंगवाते हैं, स्टॉकिस पे जाके भेजते हैं, अपलाइन जी आप ही ले आइएगा? क्या वो बिना खुद साथ में इच्छा ही बोल देते हैं अपलाइन को जाइए आप फॉलो अप कर लीजिए? अपलाइन को जिन भी लोगों ने एक सही टूल की तरह यूज किया, आई कैन गारंटी यू फ्रेंड, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतिहास रचा है। अपलाइन एक टूल है, उस टूल को यूज कीजिए एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ इंस्पिरेशन। जब आप हार जाएं, जब आप थक जाएं, बैठिए अपनी अपलाइन के साथ काउंसिलिंग के लिए, बैठिए अपनी अपलाइन के साथ कि अपने रास्ते को दिखाने के लिए, लेकिन अपलाइन को ज्यादा यूज मत कीजिए, लिटरली बोलिए ज्यादा यूज मत कीजिए। रीजन, आपकी सफलता की जिम्मेदार आप हैं, आपकी असफलता के भी जिम्मेदार आप ही हैं, राइट? और अपलाइन एक अच्छा टूल है, उसको टूल की तरह यूज करिए, 100% आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इतिहास रख देंगे, क्योंकि दूसरे के कंधों पे बंदूक रख कर ज्यादा दिन चलाई नहीं जाती। बंदूक चलाने का मजा तो अपने कंधों पे ही है दोस्त, तो यूज योर अपलाइन एज अ गुड टूल। अपनी अपलाइन को एक बड़ी मीटिंग कीजिए, उसमें बुलाइए, अपनी अपलाइन को एक होम मीटिंग कीजिए, उसमें बुलाइए, और एज अ टूल उसे यूज कीजिए। आपके अपलाइन का काम है आपको प्रमोट करना, थर्ड पार्टी प्रमोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी अपलाइन का यही सही यूज है। जब आपको रास्ता नजर नहीं आए तो आपकी अपलाइन से डायरेक्शन लीजिए, ये अपलाइन का सही यूज है। जब आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो अपलाइन के साथ बैठिए, उससे बोलिए मैं बताइए मुझे कब बैठना है आपके पास, उसके घर पहुंच जाइए, उसके घर में बैठिए, उसके साथ उसकी गाइडेंस लीजिए, 100% आपको रास्ता मिलेगा, राइट? बट विश्वास अपने ऊपर कीजिए, आगे सिर्फ अपने आप को लेके बढ़िए। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं भी मार्केट के अंदर हूं, मैं जानती हूं कुछ अपलाइन कर देती है कुछ गलत, तो प्लीज अगेन इस कारण बिजनेस को मत छोड़िए। आपकी अपलाइन ने ऐसा किया, स्टिल कोई बात नहीं, वो भी एक इंसान है, गलती कर सकता है, ओके? बस ये शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने आपको ये बिजनेस बताया, और आप एक ऐसी अपलाइन बन जाएं जैसा आप चाहते हैं कि आपकी अपलाइन हो, आपसे कहानी अच्छी शुरू हो जाएगी। आई होप सो कि आप एक अच्छी अपलाइन बनेंगे और आप एक अच्छे समझाने वाले व्यक्ति भी बनेंगे कि आपके डाउनलाइन किस तरीके से आपका यूज करें, किस तरीके से वो आपको अपने बिजनेस में एज अ टूल यूज कर सकती है। प्लीज बींग अपलाइन, मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ सभी अपलाइन से, आप एक अच्छी अपलाइन बने, लेकिन स्पून फीडिंग मत कीजिए। एज अ जब आप स्पून फीडिंग करनी शुरू कर देंगे ना, लिटरली बता रही हूँ, स्पून फीडिंग की आदत हो जाएगी, आप उस व्यक्ति को एक अच्छा लीडर नहीं बना रहे, आप उस व्यक्ति को डिपेंडेंट व्यक्ति बना रहे। इंडिपेंडेंट बनाइए उसको, उसके अंदर लीडरशिप लाने दीजिए। जब तक मार्केट से 10 ना नहीं सुनेगा, 100 लोगों की सवाल सुन के नहीं आएगा, तब तक उसके अंदर लीडरशिप डेवलप नहीं होगी। आप हमेशा यूज करेंगे बच्चों को भी, फ्रेंड माय डियर फ्रेंड, छोड़ना पड़ता है। जब एक बच्चा पैदल चलना शुरू करता है तो माँ बाप क्या करते हैं? उसको चलने देते हैं अपने पैरों से। जिस दिन माँ बाप ये डर जाए कि नहीं मैं मेरे बच्चे को छोड़ दूं तो गिर जाएगा,
बच्चा कभी चलना नहीं सीखेगा। बीइंग अ अपलाइन, आप देखते रहिए, दूरबीन लगा के अपने सारी टीम को देखें, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, लेकिन उंगली पकड़ के लाइफ टाइम बच्चे नहीं, बिकॉज उसके अंदर भी आपकी जैसी लीडरशिप लाने के लिए उसको मार्केट में उतरना पड़ेगा। उतरने दीजिए, उसके अंदर भी एक अच्छी लीडरशिप आने दीजिए, और लिटरली वो सभी डाउनलाइन, वो सभी टीम जो हर प्लान में अपनी अपलाइन को लेके जाते हैं, हर जगह फॉलोअप में अपनी अपलाइन को लेके जा रहे हैं, प्रोडक्ट अपनी अपलाइन से मंगवा रहे हैं, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना शुरू कीजिए। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके चेक 5 लाख 10 लाख 15 लाख के हों, लेकिन अगर आप फिर भी अपनी अपलाइन को लगातार यूज करते जा रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ बिजनेस आज कल छोड़ने की जगह आज छोड़ दीजिए। लिटरली सॉरी, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, बट बिजनेस कल छोड़ने की जगह आज छोड़ दीजिए। लेकिन अगर अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हैं, तो हम आपके साथ हैं। यू क्रिएट दी स्ट्री इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बेस्ट कीजिए, कुछ कीजिए, बेहतरीन कीजिए। हम आपके साथ हैं। विश यू ऑल दी बेस्ट।